इंस्टाग्राम पर हम लाइव है और फेसबुक पर भी हम लाइव है। एक में मैं गोरा दिख रहा हूँ, एक में मैं काला दिख रहा हूँ। वाह डिम्पल 26 हाय, जानी 1060 हाय, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड और बहुत ज्यादा हमेशा की तरह नर्वस भी हूं, क्योंकि आज हमारा गाना रिलीज हो रहा है। ऑलरेडी बहुत 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 सारे लोगों ने एमटीवी बीट्स के चैनल पर जाके गाना देख लिया है, एंड बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि पूरा गाना यूट्यूब पर जाके वी ऑल विल टुगेदर सी द वीडियो, एंड वेरी 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 एक्साइटेड। हैप्पी होली सबको, बिलेटेड हैप्पी होली। ये दिस इज फेसबुक एंड दिस इज इंस्टाग्राम, हियर एवरीबॉडी, जितने लोग जुड़े हैं सबको बहुत सारा प्यार एंड लॉट्स ऑफ हाई एंड वेव्स आई एम सीइंग, सबको हाई, ऑल द बेस्ट फॉर काश, ऐसा होता है इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस डेफिनेटली व्हेन आई हैव यू गाइस, हर गाना मेरा सक्सेसफुल होता है, एंड द रीजन इज यू गाइस। हाउ डू यू फील? आई फील ग्रेट, लव फ्रॉम बांग्लादेश, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू टू। हाँ प्रीति सिंह डी आर, हाय दर्शन, ग्रेट फैन ऑफ योर्स, आपके आपका जो यूजर नेम है उससे मुझे पता चल गया। लेट मी सी सम कमेंट्स हियर एज वेल, बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विथ योर फ्रेंड्स? जितने लोग काश ऐसा होता में जुड़े हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर हो, या चाहे वो एक्ट्रेस हो, वो सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो मुझे बहुत मजा आया, द सॉन्ग वॉज वेरी स्पेशल, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू शेयर द सॉन्ग विथ यू गाइज। तो ये गाना तब बना था जब मैं, लेट मी शेयर अ स्मॉल स्टोरी, क्योंकि हमारे पास 5-6 मिनट है टू टॉक, उसके बाद हम सब मिलके वी ऑल विल गो टू इंडी म्यूजिक यूट्यूब चैनल, और साथ में इंडी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर वी ऑल विल सी काश ऐसा होता, और आप सबको उस गाने को इतना शेयर करना है, इतनी कमेंट्स करनी है, इतने लाइक्स देने हैं कि आई कैन नॉट बिलीव दैट। सो या कमिंग बैक, सो आई केम बैक फ्रॉम, मैं यूएस से वापस आ गया था, और आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट टू मेक समथिंग, मैं कुछ बहुत दिनों से कुछ कंपोज करने की कोशिश कर रहा था, बट नथिंग वॉज कमिंग अप, और रात के लेट आई रिमेम्बर 12:01 जो इसमें गाने में द सॉन्ग हाउ इट स्टार्ट्स, वो एक कॉयर पर आई स्टार्टेड सिंगिंग, और यू वोंट बिलीव दैट, ये गाना मैंने आंखें बंद करके गाना शुरू किया, एंड आई हैव नो क्लू मेरे अंदर से क्या निकलता गया, एंड आई केप्ट ऑन सिंगिंग, और अराउंड आफ्टर 3 मिनट्स आई स्टॉप्ड द रिकॉर्डिंग एंड द सॉन्ग वॉज रेडी। उसके बाद ना ही हमने इसके लिरिक्स चेंज किए, ना ही हमने कुछ किया है, बट आदि भाई ने इस गाने को म्यूजिकली और खूबसूरत कर दिया, बट वी ट्राई टू कीप द सॉन्ग एज सिंपल एज वी कुड, और उसके बाद सब जुड़ते गए, और ध्रुवल पटेल ने ये गाना डायरेक्ट किया है, और उनका और मेरा रिश्ता बहुत सालों से, इट गोज लॉन्ग बैक व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑन यूट्यूब, ही वाज द वन हु मेड लॉट ऑफ वीडियोज फॉर मी, और काफी हमारे बीच में तनाव था, बीच में 6-7 महीने जो क्रिएटिव तनाव हमेशा हमारे बीच में आ जाता है, बट दिस सॉन्ग इट वॉज कमिंग बैक टुगेदर, एंड आई थिंक ही हैज डन अ ग्रेट ग्रेट जॉब। मेरे अभी जो दोनों कैमरा है वो दोनों मेरे दोस्तों ने पकड़ा है, और वो हंस रहे हैं इस बात पर, बट लेट्स कॉल ध्रुवल हियर, जस्ट कम एंड से हाय, डोंट बी नर्वस, इट्स ओके, नहीं नहीं यहां पर आके से हाय टू एवरीबॉडी, हाय हाय, व्हाट्स अप। सो इन्होंने ही डायरेक्ट किया है और इन्होंने ही इसको शूट किया है, so how was your experience, कैसा लगा आपको इतने इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करके, इतने वन टेक एक्टर के साथ आपको काम करके कैसा लगा? काफी अच्छा लगा अच्छा लगा। बोलो कुछ इंग्लिश में बोलो सबको, वो जो डीआई में तुम इंग्लिश में बोल रहे थे वैसे बात करो सबसे। सो ध्रुवल की इंग्लिश बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अमेजिंग है, इज थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम, बात करो नहीं He's a very, very talented guy. बहुत ही ज्यादा talented है, बहुत शर्माता है on camera, बाकी नहीं शर्माता. And we had a great time. हम लोग दिल्ली का concert हमने खत्म किया, और उसके बाद हम तुरंत, हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे,
because we have been aap sab jante ki humne bahut we are traveling every day performing for everybody and turant hum gaye and would like to also thank Karishma. She has been a great support to this song, to me, to everybody in the team. I just called her and I said this is humne bahut pehle discuss kar rahe the that she wanted to do something amazing and something serious. So I shared the song and she said she loves the song and last moment I called her, okay, listen, we're planning to shoot abhi parso, so can you join in the project? And she just said yes and everything was decided last moment. Aur ye sab jitni sari cheeze ho rahi hai iske karta dharta ko ab main bulana chahunga, that is Naushad bhai. You all know Naushad bhai, he is the man. Main hi everyone, hi sapne dekhta hu aur Naushad bhai sare sapne pure kar dete hain. Sapne aap sab logo ko pura karna hai. Bahut hi amazing song hai. Please share and I'm sure you are loving it. MTV Beats has been great support. Yes. Aap log subah se 20 baar ye gana dekh chuke hain here MTV Beats pe. Let's show some more love and all the best. Enjoy the song. Yes. So coming back to the story, ye gana ban gaya while after 3 minutes I had tears in my eyes and maine sare mere doston ko bulaya. You guys remember, and I said, see, something I've made. Ek film maine dekhi thi, Bohemian Rhapsody, uske andar ek similar scene tha. I could connect so well, ki jab ek composer banata, he comes to know that he has made something that people will love. To ye gana aisa tha, when I completed the song in 3 minutes, na hi koi change kiya. When I opened my eyes, I had tears in my eyes. Aur maine socha ki ye gana to sab tak pahunchna hi chahiye. And after that, we were shooting for Dil Beats, and we played this song to everybody. Vikas bhai, oh Neha, and everybody just loved the song. And uske baad, I think you all know what's happening. MTV Beats is there, and ye gana ab is show ka, Dil Beats ka title song hai. And I'm really happy that hamari family mein ek aur family badi ho gayi hai. And we would like to welcome MTV Beats and thank you so much for taking this song to next level. इतना आप मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हैं. आई कैन सी यू प्लेइंग द सॉन्ग मॉर्निंग से ही 4-5 बार यू गाइस हैव प्लेड द सॉन्ग. और सिर्फ हमारे पास 1 मिनट है, उसके बाद मैं ये लाइव सेशन खत्म करूंगा और वी विल सी द वीडियो. आप लोगों को कमेंट करना है, इसे बहुत शेयर करना है और हर बार की तरह मेरा ये गाना भी आप सबको सुपरहिट करना है. देयर सो मेनी कमेंट्स आई वांट टू टॉक टू एंड yeah, let me thank everybody. Jitne log maine sab subah se, I'm stalking everybody. Subah log 7 baje utke they're watching television and watching the song. This really really means a lot. And let me tell you, this song is really really very close to my heart. Aur jitne logon ne apni zindagi mein kisi se mohabbat ki hai ya kisi ka dil toota hai, ye gana unke liye hai. And I'm definitely sure that you will love this song. Should we do it? Okay, guys. So, Instagram par, aap log mere link par, after this video, you can go to my bio and click the link or you can just swipe up the story. Facebook par, main link share karunga. 1 minute lagega. Uske baad, we all together will go and watch the video. Or, finally, the song is all yours. Yeah. काश ऐसा भी होता, तुम मेरे होते, मैं तुम्हारा होता, तो ये गम ना होते. God bless, take care and spread love. Let's go and watch the video. ये गाना फिर से गाऊंगा लाइव आप सबके लिए आराम से. Bye and let's see the video, guys. Let's go.